हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे, इनफैक्ट सभी का प्रॉब्लम होता है, कभी ना कभी आपको पिम्पल्स आ जाते हैं, तो उनकी उनको कैसे रिड्यूस किया जाएगा या फिर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके ऊपर क्या टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपको कुछ मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ सिंपल टिप्स है जिनको फॉलो करने पड़ेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा पहला टिप, पहला जो सबसे सिंपल टिप है वो है फेस वॉश। प्रॉपरली आपको फेस वॉश करना चाहिए, जैसे कि आपके अगर आप कहीं से बाहर से आ रहे हो या फिर घर में ही हो, आप अच्छे से फेस वॉश करो ताकि जितने भी फेस पे एक्सेसिव ऑयल है और डर्ट वगैरह है वो सब निकल जाए। तो आपको अच्छे से फेस वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है लिमिटिंग मेकअप। हाँ, आपको मेकअप भी ज़्यादा नहीं करना। अगर आपके स्किन पे बार बार पिंपल्स आ रहे हैं और ये सब की दिक्कत हो रही है, तो आप मेकअप को अवॉइड करो, जितना हो सके कम मेकअप किया करो, क्योंकि उससे ज़्यादा पिंपल्स आते हैं एंड आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है। तो हैवी मेकअप को थोड़ा अवॉइड करो पिंपल्स के टाइम में। अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्या, स्टे हाइड्रेटेड। या बॉडी में अगर आपकी वाटर की कमी हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उससे भी आपके चेहरे पे पिंपल्स और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, हमेशा बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। इससे आपकी पूरी हेल्थ, ओवरऑल स्किन हेल्थ आपकी सब अच्छे रहेंगे, नहीं तो आपकी बहुत सारी दिक्कत देखने को आपको मिलेंगे। तो स्टे हाइड्रेटेड। अभी बात करेंगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रॉपरली आपको फेस को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। आप एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, और भी बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं अच्छे अच्छे, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना फेस वॉश के बाद। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि आपको मतलब आपके फेस में अभी पिंपल्स आ रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आप ज़्यादा बार अपने फेस पे टच मत करना, क्योंकि क्या होता है हमारे हाथ में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स रहते हैं, जब हम फेस में टच करते हैं तो वो सब फेस में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उससे आपके पिंपल्स की दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप जितनी हो सके कम टच करना अपने फेस को, जब आप मतलब फेस वॉश कर रहे हो, कुछ अप्लाई कर रहे हो, तब अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद ही आप वो सब इस्तेमाल करेंगे फेस में। तो उससे उन सब को छोड़ के आप फेस में टच मत करना फेस को ज़्यादा बार। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो गाइज़, अगर आपके फेस पे अभी पिंपल्स आ रहे हैं, अभी समर का टाइम है, तो आप थोड़ा सनलाइट से खुद को दूर रखें, यानी कि अगर आप जितना हो सके बाहर कम जाइए, और अगर बाहर जाना रहता है तो आप फेस पे स्टॉल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको सन प्रोटेक्शन देना है, सनस्क्रीन तो अप्लाई करना है, बट उससे भी आप वाइट कलर का स्टॉल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे स्कार्फ वगैरह आते हैं तो उनको इस्तेमाल करो, और सन प्रोटेक्शन ज़रूर देना। सबसे सुना है तो पिंपल्स को रिड्यूस करने के लिए आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ना ग्रीन टी को भी इस्तेमाल करते हैं पिंपल एरिया में पिंपल रिड्यूस करने के लिए। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि आपको पिंपल रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, बहुत सिंपल टिप्स है जिनको आपको डेली फॉलो करना है। और ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।